हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी क्लास शुरू होगी, कॉन्सेप्ट की क्लास। और कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के हमने दो पार्ट कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकेंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी जो हम कर रहे हैं ये हमारा थर्ड नंबर का पार्ट है। तो देखते हैं आज हम क्या यहाँ पे करने वाले हैं। तो आई थिंक सारे बच्चे रेडी हो चुके हैं, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए आप फटाफट से, हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, आज हमें पढ़ना है यूज ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव का यूज आखिरकार होता कहाँ कहाँ है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कैसी दिखती है, एडजेक्टिव कितनी प्रकार की होती है, एडजेक्टिव एक से ज्यादा आ जाए तो उनकी पोजिशन क्या होती है, सब हम पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव का यूज भी हम करने वाले हैं। मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है, अभी इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं समझा देता हूं कि सर कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद में एडजेक्टिव ही आता है, एडवर्ब नहीं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ब लिखी हुई है, लुक लिखा हुआ है, सीम लिखा हुआ है, फील लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ है, सीम लिखा हुआ है, अपीयर लिखा हुआ है। इन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब का यूज नहीं होता, तो इसका मतलब एडवर्ब लिखा हुआ आएगा, इनके जस्ट बाद में क्या लिखा हुआ रहेगा, एडवर्ब। अब बात आती है सर एडवर्ब तो आपने पढ़ा ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा एडवर्ब। अभी तो एडवर्ब के बारे में इतना समझ लो कि वो एलवाई वाला शब्द, अभी तो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझ लो, 99% काम कर जाता है ये भी एलवाई, कि सर वो एलवाई वाला शब्द जो आपने पढ़ाया था वो एलवाई वाला शब्द एडवर्ब है। तो इन वर्ड्स के बाद में ये तो नहीं आएगा एडजेक्टिव, एडवर्ब तो नहीं आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो ये ध्यान रखना है, इन शब्दों के बाद में हमेशा और हमेशा किसका यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज होता है। अगर फील के बाद में कोई वर्ड आना है एडजेक्टिव और एडवर्ब में से, तो सर वो एडजेक्टिव ही होगा, एडवर्ब नहीं। तो याद रखिएगा एडजेक्टिव का यूज हमें यहाँ पे करना है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ ही लुक्स हैंडसम, तो सर हमें पता है ये लुक्स यहाँ पे जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद में जो वर्ड आया है वो हैंडसम हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है सर, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वर्ड है द टेबल फील्स हार्ड, तो हमने यहाँ पर देखा एफ डबल ई एल एस फील्स, फील्स के बाद में जो शब्द आया है वो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब हार्ड नामक शब्द यहाँ पे क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ही रिमेंड साइलेंट, रिमेन का मतलब रहना, ही रिमेन वह रहा, साइलेंट मतलब शांत। तो सर रिमेन एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव, इसका मतलब सही है। इसका मतलब सर हमने तीन सेंटेंस देखे और कुछ वर्ब्स देखी, वर्ब्स को वापस से रिपीट कर लेते हैं। और वैसे आप जानते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, फील लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ है, सीम लिखा हुआ है, अपीयर लिखा हुआ है, रिमेन लिखा हुआ है और लुक लिखा हुआ है, ऐसे कई शब्द यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है जी, चलो सर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड आउट द एरर सेक्शन ऑफ द सेंटेंस, कि सर दीज फ्लावर्स स्मेल, तो सर आपने बताया था स्मेल नामक शब्द, एस एम ई डबल एल स्मेल, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्मेल्ट होती है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो स्मेल्ट होती है। और ये स्मेल्ट वर्ब जो है एक बहुत प्यारी वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में जो सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट फॉर्म है इसके बाद में आपको एडवर्ब अगर दिखाई देता है तो एडवर्ब गलत है। इसका मतलब सर एडवर्ब ना आकर हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा एडजेक्टिव, वो आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव। तो सर दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, तो सर ये स्वीटली जो लिखा हुआ है ये तो एडवर्ब है, जबकि यहाँ पे स्वीटली ना आकर एडजेक्टिव का यूज होगा और वो एडजेक्टिव होगा स्वीट, वो एडजेक्टिव क्या होगा, स्वीट। इसका मतलब सर डी पार्ट में हमारा एरर है। फाइंड आउट द एरर सेक्शन ऑफ द सेंटेंस, कि सर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय हिज एडवोकेट, कि सर वो आर्ग्यूमेंट, वो तथ्य, वो बातें जो एडवोकेट ने दी थी, सीम्ड प्रतीत होती है, इसका मतलब हमारी नेक्स्ट वर्ब आई है सर इस क्वेश्चन के अंदर सीम। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर सीम की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है, तो ये हो गया सर सीम्ड, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है सर प्रतीत होना, क्या होना, प्रतीत होना। तो सर सीम वर्ब के बाद में अगर आपको एडवर्ब दिखाई देती है तो सर वो एडवर्ब नामक शब्द गलत है, एडवर्ब ना आकर हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सर वो आंसर हमारा एडजेक्टिव होगा। तो सर यहाँ पे फुलिशली नामक शब्द गलत है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा फुलिश, एफ ओ एल आई एस एच फुलिश, और ये फुलिश नामक शब्द हमारा
एडजेक्टिव है, इसका मतलब सी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, ही फेल्ट हैप्पीली। अब यहाँ पे आप फील वर्ब देख पा रहे हैं, एफ डबल ई एल, फील। फील एक एक ऐसी वर्ब है जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है एफ ई एल टी, फिर से मैंने लिखा एफ ई एल टी, इसका मतलब सेकेंड और थर्ड सेम है। फील वर्ब के बाद में आपको अगर एडवर्ब दिखाई देती है तो सर वो एडवर्ब नामक शब्द वहां गलत हो जाएगा। एडवर्ब की जगह जो हमारा आंसर होगा सर वो होगा एडजेक्टिव। ये मैं बार बार आपको चीजों को बता रहा हूँ। हैप्पीली गलत है, हैप्पीली की जगह जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सर हैप्पी। आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। ही लुक्स, ही लुक्स। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लुक नामक शब्द आया है, एल डबल ओ के लुक। अच्छा ठीक है, लुक वर्ब की बात करते हैं तो सर लुक एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें लुक करना पड़ता है, एल डबल ओ के ई डी। इसको लुक्ड नहीं बोलेंगे, लुक्ड बोलेंगे। तो लुक नामक वर्ब के बाद में एडवर्ब का यूज तो होगा ही नहीं, होगा तो किसका यूज होगा सर? एडजेक्टिव का यूज होगा। किसका यूज होगा? एडजेक्टिव का। ठीक है सर, ये बातें यहां देख लेते हैं। हैंडसमली सर ये तो एडवर्ब है, हैंडसम सर ये एडजेक्टिव है, मोर हैंडसम सर ये तो कंपेरेटिव डिग्री है। एक ही आंसर होगा बी ऑप्शन, ही लुक्स हैंडसम। वो कैसा दिख रहा है? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर पांच, द टेबल फील्स हार्ड। हार्ड हमारा आंसर हो जाएगा। ही रिमेंड साइलेंट, वह साइलेंट रहा। द फूड टेस्ट डिलीशियसली, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखे इस क्वेश्चन को उड़ाओ फटाफट से, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को उड़ाओ बेटा, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दो फटाफट से। जी इजी है, कोई हार्ड चीज है नहीं, सारी चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कमेंट करो कमेंट। चलो सर देख लेते हैं क्या और क्या है और क्या नहीं है कि सर यहाँ पर लिखा हुआ डिलीशियसली, तो सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डिलियस क्या बोल रहा हूँ यार, ये जो डिलीशियसली लिखा हुआ है सर ये तो एडवर्ब है, जबकि एडवर्ब नहीं सर, टेस्ट वर्ब के बाद में तो एडजेक्टिव आना चाहिए। तो सर डिले कैसी, डिलीशियस, बेडली, नो इम्प्रूवमेंट, सर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये नॉर्मल सा एक वर्ड था, क्वेश्चन था, हमने कर लिया। चलो, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स, कुछ और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स है उनकी बात और कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स और है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एस ओ एम ई, सम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको मैं सही कर दू, एक मिनट, ई और लगाना पड़ेगा अपने को, येलो सर मैंने ई और लगा दिया, ठीक है ओके सर। तो यूज ऑफ सम एडजेक्टिव की हमें बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव जिनकी बात करें, जैसे लेट, एडजेक्टिव में पढ़ेंगे अपन, लेट क्या होता है, लेटेस्ट क्या होता है, लेटर क्या है, एल ए डबल टी ई आर, ये वाला लेटर क्या है, ठीक है, एल ई डबल टी आर लेटर लिखा हुआ है, लास्ट लिखा हुआ है, फॉर्मर लिखा हुआ है, ऐसे कई शब्द। दूसरी लाइन में हमने देखा एल्डर, एल्डेस्ट ये पढ़ेंगे, ओल्डर, ओल्डेस्ट ये वाले एडजेक्टिव हम जानेंगे, फिर लिखा हुआ है फार्दर और फार्देस्ट, फर्दर और फर्देस्ट इनको हम पढ़ेंगे, इसके बाद में लिखा हुआ है नियरेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट, लेस, लेसर, फ्यूअर, इनके बारे में हमें जानना है, आइदर, नाइदर, ईच और एवरी ये भी हम पढ़ेंगे, फिर लिखा हुआ अनदर, अदर, द अदर, एनी अदर, नो अदर, इनके बारे में हमें जानते हुए चलना है, ठीक है ओके। फिर है सर्टेन, असर्टेन, वेरी और ऑन, ये सारे की सारी डिटेल एक 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 अपन अभी पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं सर, ए मतलब एक, एन मतलब एक, ए सर्टेन का मतलब भी कोई एक, अनदर का मतलब भी सर कोई एक के लिए आता है, ईच भी कि सर कोई सिंगुलर, मतलब कोई मिलाकर सिंगुलर, वापस में अगर बोल एक ना बोलकर सिंगुलर बोलूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वर्ब भी सिंगुलर, इसका मतलब इन शब्दों के बाद में जो शब्द आएगा वो सिंगुलर होगा, इन शब्दों के बाद में जो शब्द आएगा वो सिंगुलर नाउन होगा और वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। ए के बाद में, एन के बाद में, ए सर्टेन, अनदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये पढ़ने की बात है, पढ़ लेना। दूसरा है दीज, इनके बाद में प्लूरल नाउन, दीज के बाद में, दोज के बाद में, सर्टेन के बाद में, अदर के बाद में, मेनी के बाद में, ए ग्रेट मेनी के बाद में, ए गुड मेनी के बाद में, सेवरल, वेरियस, ए नंबर ऑफ नाउन, प्लूरल, ठीक है जी सर। एनी, नो और द सेम, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, तो देख लेना अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। सीधा अपन चलते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर कि सर एडजेक्टिव अगर हम पढ़ रहे हैं तो लेट नामक एडजेक्टिव के बारे में समझा दो। तो बच्चों लेट क्या होता है,
सारे बच्चे जानते हैं सर, लेट का मतलब होता है लेट होना। लेट का मतलब क्या होता है? लेट होना। और एक अर्थ और होता है सर लेट का, मतलब भूतपूर्व। लेट मतलब भूतपूर्व, लिख लेना। लेट मतलब लेट होना, समय, समय के लिए लेट हो जाना। एक तो समय के लिए लेट होना और एक भूतपूर्व। लेट प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, जिसको एक्स भी बोलते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो वाला। लेट मतलब स्वर्गीय, मरा हुआ व्यक्ति भी लेट होता है। मरा हुआ व्यक्ति भी क्या होता है? लेट। लेटेस्ट क्या होता है? लेटेस्ट का मतलब होता है सर आंकड़ों के अंदर, सुनना मेरी बात, आंकड़े, डेटा, डेटा के अंदर जो बिल्कुल नया हो वो लेटेस्ट होता है। डेटा, सूचना के अंदर जो सबसे नया होता है वो लेटेस्ट होता है। अब तुम सब्जी की दुकान पे जाकर ये नहीं बोलोगे लेटेस्ट भिंडी देना जी। भिंडी कोई आंकड़ा थोड़ी है भाई, डेटा थोड़ी है। भिंडी तो फ्रेश मिलेगी, आंकड़े ले, जैसे लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट स्कोर, लेटेस्ट रन, लेटेस्ट ट्रॉफी, ऐसा है ना, इस तरीके की बातें। सर फोर टाइम लेटेस्ट टाइम के लिए आता है, लेटेस्ट न्यूज वगैरह के लिए आता है, पढ़ लेना। लेटर, एल ए टी ई आर, लेटर सर समय के लिए आता है, इसका मतलब होता है बाद में। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? टाइम के लिए, और इसका अर्थ होता है बाद में। लेटर मतलब बाद में। एल ए डबल टी ई आर सर ये दो जनों के लिए आता है, लेटर, एल ए डबल टी ई आर। ये जो लेटर है ये कंपरेटिव डिग्री का पार्ट है, ठीक है। ये किसके लिए आता है? ये सर दो जनों के लिए यूज होता है, इसका अर्थ होता है बाद वाला, बाद वाला और बाद वाली, बाद वाला और बाद वाली। ये लेटर मतलब सेकंड पर्सन के लिए आता है, इन टू पर्सन और थिंग, दो चीजों या दो वस्तुओं में बाद वाला, दो चीजें और दो वस्तुओं में बाद वाला, दो चीजें और दो वस्तुओं में बाद वाला, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। एल ई डबल टी आर, लेटर, लेटर मतलब तो सर पत्र होता है, लास्ट मतलब सर अंतिम होता है, लास्ट मतलब अंतिम या पिछला, अंतिम या फिर पिछला। फॉर्मर का मतलब पहले वाला, फॉर्मर का मतलब यही दो चीजों के लिए आता है, फॉर्मर मतलब पहले वाला। तो सर सारी चीजें हो गई है, एक बार वापस से मैं रिपीट कर दूं चीजों को तो देख लीजिएगा। एल ए टी ई, लेट, एक बार सारी चीजें साफ कर दे। एल ए टी, लेट, लेट का मतलब सर देरी होना, लेट का मतलब सर पहले वाला, पुराना वाला, भूतपूर्व। लेटेस्ट का मतलब सर ये टाइम के लिए आता है, ये न्यूज के लिए आता है। लेटर मतलब सर ये समय के लिए आता है, इसका मतलब बाद में होता है। एल ए डबल टी ई आर, लेटर का मतलब सर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में बाद वाला और बाद वाली। एल ई डबल टी आर, लेटर मतलब सर पत्र होता है, लास्ट मतलब सर अंतिम होता है या पिछला होता है, और फॉर्मर का मतलब सर पहले वाला या पहले वाली होता है, पहले वाला या पहले वाली होता है, क्लियर है। पहले वाला या पहले वाली के नाम से जाना जाता है। इन कंपेरिजन फॉर्मर यूज इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, पहले वाली, इसका यूज दो के लिए होता है। इसका यूज किसके लिए होता है? दो के लिए, ये ध्यान रखना। अच्छा, दो से ज्यादा में पहले वाला, मेरी बात को ढंग से सुनना। दो कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट में से पहले वाला, दो कैंडिडेट में से पहले वाला, उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी सर? उसकी अंग्रेजी बनेगी फॉर्मर, एफ ओ आर एम ई आर। दो में से पहले वाला या पहले वाली फॉर्मर कहलाएगा, लेकिन दो से ज्यादा हो तो, लेकिन दो से ज्यादा हो तो फिर क्या आएगा? पहले वाला है, पहले वाली के लिए फिर फर्स्ट आएगा सर, एफ आई आर एस टी, फिर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द एरर सेक्शन ऑफ द सेंटेंस। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आई टोल्ड यू द लास्ट न्यूज, नहीं, यहाँ पे होगा लेटेस्ट न्यूज। यहाँ पे लास्ट न्यूज ना होकर क्या होगा? लेटेस्ट न्यूज होगा, एन ई डब्ल्यू एस, लेटेस्ट न्यूज। क्लियर है बेटा? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आर्टिकल वॉज पब्लिश इन द लास्ट इशू। इशू का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से न्यूज़पेपर, एक प्रकार से न्यूज़पेपर मान लो आप, पी ए पी ई आर, न्यूज़पेपर। तो सर लास्ट न्यूज़पेपर ना होकर क्या होगा? लेटेस्ट न्यूज़पेपर होगा। लेटेस्ट न्यूज़पेपर में उसकी खबर छपी, लेटेस्ट न्यूज़पेपर के अंदर, पी न्यूज़पेपर, पी ए पी ई आर, लेटेस्ट न्यूज़पेपर में उसकी खबर छपी। द लास्ट इंफॉर्मेशन, लास्ट इंफॉर्मेशन नहीं सर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ने पर्टेन किया टू हिज एलिवेशन टू द हायर रैंक। लेटेस्ट न्यूज से पता चला कि वो ऊपर के लेवल पर गया है। लेटेस्ट
इंफॉर्मेशन से पता चला, लेटेस्ट सूचना से पता चला, इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना ही रखना है बेटा। चलो, यू कैन ट्रस्ट, आप ट्रस्ट कर सकते हैं दिस एजेंसी पर फॉर द लास्ट न्यूज। तो सर लास्ट न्यूज नहीं, कौन सी न्यूज आएगी, लेटेस्ट न्यूज आएगी। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं, लेटेस्ट न्यूज। क्वेश्चन नंबर 5, सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। सुनना, यहां पर लिखा हुआ एल ए डबल टी ई आर, और आप सारे बच्चे जानते हैं सर लेटर का यूज किया जाता है दो जनों के लिए, हमारे इस क्वेश्चन में दो की बात हुई नहीं। ये बोल रहा है कि सी मतलब वह, केम मतलब आई, लेट, एल ए टी, वो क्या आई, वो लेट आई, लेट का मतलब देरी से, क्या आई, वो लेट आई। लेकिन यहां पर बात कंपेरेटिव डिग्री की भी करनी है, तो सी केम लेटर, वह बाद में आई। यहाँ पे लेट ना बोलकर हम क्या बोल देंगे, लेटर ज्यादा सही रहेगा, है ना, लेट ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, लेटर, लेटर मतलब वह बाद में आई, एल ए टी ई आर, लेटर मतलब बाद में, लेटर मतलब बाद में, कि सी केम लेटर, वह बाद में आई, देन आई एक्सपेक्टेड, जिसकी मैं आशा कर रहा था, जिस समय की मैं आशा कर रहा था उस समय से भी वो लेटर आई, लेटर मतलब बाद में आई, और ये कंपेरेटिव डिग्री का काम है। आगे है यू केम लेटर देन ही, वो का वही सेंटेंस है, फिर से एल ए डबल टी ई आर आप देख पा रहे हैं, तो सर एल ए डबल टी ई आर तो दो के लिए आता है, यहाँ पे जो हमारा वर्ड बनेगा वो बनेगा लेटर, कि यू केम लेटर, तुम बाद में आए, देन ही उससे, तुम उससे भी बाद में आए, लेट आए। वाई हैव यू कम लेटर देन योर फ्रेंड। लो भाई साहब अब बताओ क्या आएगा, कि सर यहाँ लिखा हुआ कि वाई हैव यू कम लेटर, तुम लेटर क्यों आए, तुम बाद में क्यों आए, एल ए टी ई आर, दो की बात नहीं है तो ये तो आएगा ही नहीं, दो की बात हो गई, जहां पर दो जनों का नाम, दो जनों की बात हो रही है, तब तो सर हमें लगाना पड़ेगा लेटर, एल ए डबल टी आर, लेटर बाद वाला, बाद वाली के लिए। लेकिन सर यहां पर जो लेटर है इसका मतलब होता है बाद में, इसका मतलब क्या होता है, बाद में, कि वाई हैव यू कम लेटर, तुम बाद में क्यों आए, देन योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड के भी बाद में तुम क्यों आए। राम एंड श्याम टू क्लासमेट्स, अब सर दो जने हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर टू क्लासमेट्स, राम और श्याम दो क्लासमेट्स है, द लेटर बाद वाला, लेटर बाद वाला मतलब एल ए डबल टी ई आर, ये वाला लेटर हमारा आंसर होगा, कि सर लेटर बाद वाला बीइंग मोर क्लेवर, बाद वाला ज्यादा क्लेवर था। योर नेम इज द लेटेस्ट इन दिस कैटेगरी, तुम्हारा नाम इस कैटेगरी में लेटेस्ट है, तो सर लेटेस्ट नाम नहीं होता है, क्या नहीं होता है, लेटेस्ट नाम नहीं होता है, तुम्हारा नाम इस कैटेगरी में लास्ट है, लास्ट, तुम्हारा नाम इस कैटेगरी में क्या है, लास्ट है, इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में तुम्हारा जो नाम है वो क्या है, लास्ट है। कैन वी रेली ऑन, एक बहुत अच्छा वर्ड है रेली ऑन, आर ई एल वाई, रेली ऑन, रेली ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, कि तुम भरोसा कर सकते हो इस एजेंसी पर फॉर द लास्ट न्यूज, लास्ट न्यूज के लिए नहीं, लेटेस्ट न्यूज के लिए, तुम इस एजेंसी पर लेटेस्ट न्यूज के लिए भरोसा कर सकते हो, तो हमारा आंसर होगा लेटेस्ट, यहाँ पे लास्ट नामक शब्द गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर होगा कि सर जेक नाम का बंदा, जिल नाम का बंदा, बॉब नाम का बंदा वेंट अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर गया, जेक जिल एंड बॉब पहाड़ी के ऊपर गए, द वॉच द अदर टू फॉल डाउन, मतलब दो को, दो को उसने गिरते हुए देखा, इसका मतलब तीन जने हैं, तीन में से उसने दो को गिरते हुए देखा, इसका मतलब बात किसकी हो रही है, कि जेक जिल बॉब वेंट अप द हिल, वो पहाड़ी पर गए, एंड द लास्ट और अंतिम वाले ने, एंड द लास्ट और अंतिम वाले ने वॉच द अदर टू फॉल, दोनों को गिरते हुए देखा। लेटेस्ट तो सर न्यूज के लिए आता है, लेटर सर दो के लिए आता है, और ये लेटर सर बाद की स्थिति के लिए आता है, तो एक ही ऑप्शन बचा लास्ट, कि लास्ट ने वॉच्ड किया, लास्ट ने देखा द अदर टू फॉल डाउन, दो को गिरते हुए। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर राम एंड श्याम वापस से वही क्वेश्चन आया है, तो सर लेटर ना आकर यहां जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा एल ए डबल टी ई आर, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लिखने का कोई मतलब नहीं था, तो सेम क्वेश्चन ही आ गया, ये तो सेम क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रेडी है, आइए, फाइंड आउट द एरर सेक्शन, द लास्ट इंफॉर्मेशन, अभी अभी आया था, लास्ट नहीं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन।
लास्ट नहीं क्या जाएगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। LATER सर ये तो समय के लिए आता है तो ये तो होगा नहीं। सर ये दो जनों के लिए आता है। लेटेस्ट का मतलब सर आप जानते हो न्यूज, कोई खबर वगैरह, कोई स्कोर वगैरह उनकी बात होती है तो आता है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी कि द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। शेक्सपियर एंड मिल्टन, शेक्सपियर एंड मिल्टन दो जने हैं, वर ग्रेट पोइट्स, बहुत अच्छे महान कवि है। आई प्रीफर द फॉर्मर, मुझे पहले वाला पसंद है, मुझे पहले वाला पसंद है बजाय दूसरे वाले के। तो सर दूसरे वाले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, LATER लेटर, क्योंकि सर ये आता है बाद की स्थिति में, ये आता है इंफॉर्म मतलब लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, ये लास्ट है, एक ही ऑप्शन बच रहा है लेटर, LATER। फिर अगला क्वेश्चन है कि सर द लास्ट हाउस इन द रो इज माइन, द लास्ट हाउस इन द रो इज माइन, लास्ट हाउस अंतिम घर इस पंक्ति में मेरा है, अंतिम घर इस पंक्ति में मेरा है। द प्रिंसिपल हैज गिवन हिम, प्रिंसिपल ने उसको दिया लेटर समय के लिए, लेटर दो जनों के लिए, लेटेस्ट न्यूज़पेपर के लिए, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है लास्ट। प्रिंसिपल ने हैज गिवन हिम, प्रिंसिपल ने दिया है उसको लास्ट चांस, प्रिंसिपल ने उसको लास्ट चांस दिया है टू अपियर, देने के लिए एट द एग्जाम, एग्जाम देने का प्रिंसिपल ने उसको अंतिम मौका दिया है। प्रियंका डिड नॉट कम, प्रियंका डिड नॉट कम लेटर, प्रियंका डिड नॉट कम लेटर, LATER, प्रियंका डिड नॉट कम लेटर, प्रियंका लेट नहीं आई, मतलब लेटर बाद में नहीं आई, देन मधु, मधु के बाद में नहीं आई, तो प्रियंका डिड नॉट कम लेटर। वैसे आप जानते हो लेट LATE लेट नहीं होगा यहाँ पे, और लेट ऑप्शन में भी नहीं है ना, तो लेटर ही आएगा, LATER। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह, बहादुर शाह लास्ट एम्परर था, बहादुर शाह अंतिम एम्परर था मुगल साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का अंतिम जो अधिकारी या उत्तराधिकारी था वो कौन था, बहादुर शाह जफर था। फाइंड आउट द एरर सेक्शन, सर द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द ग्रीक वैली सिविलाइजेशन, तो सर यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन दो पार्ट है, कितने पार्ट है, दो पार्ट है, उनमें से ओल्ड वेरी ओल्ड कौन सी है, बट फर्स्ट इज ओल्डर, फर्स्ट नहीं सर फॉर्मर, जब दो की बात होती है तो पहले वाले के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर्मर का, कि सर फॉर्मर ज्यादा अच्छी है बजाय लेटर, और लेटर का मतलब हो गया बाद वाला, तो सर लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाली, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, पहले वाली, तो फर्स्ट की गलती है सर, फर्स्ट की जगह जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा फॉर्मर, फर्स्ट की जगह जो हमारा आंसर होगा सर वो हो जाएगा फॉर्मर। अब पढ़ेंगे सर हम एल्डर और एल्डेस्ट, किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्डर और एल्डेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेडी है, हम पढ़ेंगे सर एल्डर एल्डेस्ट, और इसके आगे जो आएगा वो आएगा ओल्डर और ओल्डेस्ट। सीधी सीधी सी बात है, ज्यादा कोई विशेष है ही नहीं, सीधी सीधी सी बात है, ज्यादा कोई विशेष है ही नहीं बेटा, है ना, वही पढ़ना है हमें भी, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एल्डर एल्डेस्ट इन्हीं का यूज अपने को करते हुए चलना है। चलो एक बार ये कुछ एक्स्ट्रा लिखे हुए इनको मैं हटा दूं, है ना, ताकि अपने को अच्छे से और चीजें कवर हो सके। ओके लीजिए सर, चलो एल्डर एल्डेस्ट, पहले तो नॉर्मली एक बार लिखकर समझा देता हूँ सारी बातें, ताकि आपको मजा आ जाए हर एक चीज का, एल्डर और एल्डेस्ट में क्या फर्क है, ओल्डर और ओल्डेस्ट में क्या फर्क है, देख लीजिएगा, एक बार लिख रहा हूँ कि सर ELDER एल्डर और OLTER ओल्डर, ये दोनों की दोनों कंपेरेटिव डिग्री है, डिग्री अभी अपन ने पढ़ा नहीं है लेकिन ये दोनों एक शब्द है। फिर है ELDEST एल्डेस्ट, और उसी के जैसा एक शब्द और आएगा OLDEST ओल्डेस्ट, ये आता है सर, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। कहने का मतलब एल्डर और ओल्डर आता है दो जनों के कंपैरिजन के लिए, और एल्डेस्ट और एल्डेस्ट आता है दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए, ये मेजर डिफरेंस है जो लिखा है ना एल्डर और एल्डेस्ट। तो सर एल्डर किसके लिए, दो के लिए, और एल्डेस्ट किसके लिए, दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए, इतनी सी बात है। इसी प्रकार से एल्डर ओल्डर दो जनों के लिए है, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट ये दो से ज्यादा के लिए है, एक बात तो ये हो गई, ठीक है सर।
एक बात तो हमारी ये हो गई कि सर एल्डर और ओल्डर दो के लिए और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए सर कंपैरिजन करते हैं कि सर आखिरकार ये जो ई एल डी ई आर एल्डर है और एक जो ओ एल डी ई आर ओल्डर है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इनका बेसिक डिफरेंस हम जानना चाहेंगे। आखिरकार बेसिक डिफरेंस क्या है कि सर एल्डर का मतलब भी बड़ा और ओल्डर का मतलब भी बड़ा, एल्डर मतलब भी बड़ा, ओल्डर मतलब भी बड़ा, ठीक है सर कोई अंतर नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर, ओल्डर का एक और अर्थ है, ओल्डर मतलब बड़ा तो है ही है, ओल्डर का एक अर्थ और है पुराना, ओल्डर का एक अर्थ और है पुराना, ये एक एक डिफरेंस, ठीक है। एल्डर मतलब भी बड़ा, ओल्डर मतलब भी बड़ा, बट बड़ा कौन, अगर ब्लड रिलेशन वाला बड़ा है, अगर ब्लड रिलेशन वाला तुमसे कोई बड़ा है, तुम्हारा भाई और बहन और कुछ कोई नहीं, बस ब्लड रिलेशन इनका ही होता है, माता पिता तो है ही है लेकिन भाई बहन, अगर भाई बहन तुमसे बड़ा है तो सर एल्डर आएगा, और अगर भाई बहन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, और अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है तो ओल्डर आएगा। ब्लड रिलेशन वालों के लिए हमें एल्डर का यूज करना पड़ता है, और जो ब्लड रिलेशन में नहीं आते या फिर दूर के रिश्तेदार होते हैं उनके लिए हमें ओल्डर का यूज करना पड़ता है। माना कि दो में कंपैरिजन हो रहा है, आपका भाई और आप, दो में कंपैरिजन हो रहा है तो आप कहेंगे कि मैं बड़ा हूं तो एल्डर, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में से बात हो रही है, पड़ोस वाला बड़ा है तो वो एल्डर, वो ओल्डर हुआ। तो पास वाले रिलेशन या मैं कहूं तो अपना ब्लड रिलेशन वालों के लिए हम एल्डर का यूज करते हैं, और जो ब्लड रिलेशन में नहीं आता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ओल्डर का। ये एक मेजर डिफरेंस है जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्लियर हुई बात, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ई एल डी ई आर है एल्डर, इसका कंपेरिजन करने के लिए एल्डर के साथ में टू आता है, और ओल्डर का जो कंपैरिजन होता है उस ओल्डर के अंदर टू नहीं, उसके अंदर देन का यूज किया जाता है। ओल्डर के साथ में किसका यूज किया जाता है कि सर ओल्डर के साथ में हमें देन का यूज करना पड़ता है। ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, बस ये दो ही बातें हैं विशेष और कोई नहीं है, कि सर एल्डर मतलब बड़ा और ओल्डर मतलब भी बड़ा, एल्डर मतलब सिर्फ बड़ा और ओल्डर का मतलब सर बड़े के साथ साथ पुराना भी होता है। इसका मतलब इसका यूज किया जाता है सजीवों के लिए, और इसका यूज किया जाता है सर निर्जीवों के लिए भी और सजीवों के लिए भी, निर्जीवों और सजीवों दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों को समझानी थी, वो मैंने समझा दी। आइए सर बात करते हैं यूज्ड फॉर क्लोज फैमिली रिलेशनशिप, इसका यूज क्लोज फैमिली रिलेशनशिप के लिए किया जाता है। एल्डर के साथ में टू आता है, अगर आपको एल्डर के साथ में ई एल डी ई आर, एल्डर के साथ में अगर आपको देन दिखाई दे रहा है तो वो सर गलत है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है। एल्डर के साथ में आपने जो देन लगाया है वो देन नामक शब्द क्या है, गलत है। कंपेरिजन नहीं हो रहा हो, मान लो डिग्री की बात नहीं हो रही है, कंपेरिजन नहीं हो रहा हो तो एल्डर के पहले पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला माई एल्डर, ई एल डी ई आर, माई एल्डर ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, तो इसने क्या बोला है, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है एल्डर के पहले। तो सर ये एल्डर के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज अपन ने कर दिया, अगर कंपेरिजन नहीं हो रहा है तो। ज्यादा कोई विशेष बात नहीं लिखी यहाँ पे, ज्यादा कोई विशेष बात लिखी हुई नहीं है, कहने का मतलब आप तो यही समझो कि एल्डर का ज्यादा बड़ा कोई यूज नहीं है, एल्डर का यूज क्लोज रिलेशनशिप, ओल्डर का यूज दूर के रिलेशनशिप के लिए, एल्डर का यूज सजीव के लिए होता है, ओल्डर का यूज सजीव और निर्जीव दोनों के लिए, क्योंकि बड़ा और पुराना दोनों यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अच्छा, एल्डर के साथ में टू आता है और ओल्डर के साथ में देन आता है, छोटी छोटी बातें थी जो अपन ने कर ली। अब ओल्डर भी देख लो दोबारा से, फॉर नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इनएनिमेट और लाइफलेस मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए भी ओल्डर का यूज किया जाता है। कंपेरिजन हो रहा हो तो इसके बाद में देन आएगा, मैंने बता दिया कि ओल्डर के बाद में देन आता है। और अब बात ये आती है कि सर एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में क्या फर्क है, ई एल
DEST एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में ज्यादा क्या विशेष क्या परिवर्तन है? कि सर एल्डेस्ट भी वही सेम चीज है, एल्डेस्ट भी वही सेम चीज है कि ब्लड रिलेशन वालों के लिए एल्डेस्ट आता है और दूर के रिलेशन वालों के लिए ओल्डेस्ट आता है, ठीक है। एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये दो के लिए यूज नहीं होता। जो EST लगा है ये दो के लिए यूज नहीं होता, ये होता है दो प्लस के लिए, दो से ज्यादा के लिए हमें एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का यूज करना पड़ता है। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाती है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाती है। राम एंड श्याम कि सर दो कैंडिडेट है, ठीक है, ब्रदर्स है, इसका मतलब ब्लड रिलेशन वाले हैं सर, ब्लड रिलेशन वाले हैं, तो भैया एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट तो खत्म क्योंकि ये तो दो से ज्यादा के लिए आता है, और ओल्डर खत्म क्योंकि सर दूर के रिलेशन वालों के लिए ओल्डर और पास के रिलेशन वालों के लिए एल्डर, एक ही आंसर बचा, ELDER। देखो ऐसे आंसर करते हैं। चलो फाइंड आउट द एरर सेक्शन कि सर राम इज माई ओल्ड ब्रदर, ये ब्रदर है, भाई है तो सर ओल्डर तो आ ही नहीं सकता, भाई है तो ओल्डर क्यों आएगा, क्योंकि भाई है तो दूर का रिलेशन थोड़ी है, पास का रिलेशन है, तो सर ELDER, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। राम श्याम लक्ष्मण कितने कैंडिडेट है कि सर तीन कैंडिडेट है, तीन कैंडिडेट का मतलब हो गया दो प्लस, अगर दो प्लस की बात है ओल्डर कैंसिल एल्डर कैंसिल, दो से ज्यादा की बात है तो एल्डर ओल्डर तो आएगा नहीं क्योंकि एल्डर ओल्डर दो के लिए, तो सर अब बात आती है एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट दोनों में से क्या आएगा, सर ये भाई है मतलब रिलेशन वाले हैं, रिलेशन वाले हैं तो ओल्डेस्ट कैंसिल, क्या आंसर होगा एल्डेस्ट, एल्डेस्ट विल बी द राइट आंसर, एल्डेस्ट विल बी द राइट आंसर। सी इज माई ओल्डेस्ट सिस्टर, अब यहाँ पे सी है, यहाँ पे सिस्टर है, बहनों की बात हो रही है, बहनों की बात हो रही है तो सर ओल्डेस्ट थोड़ी आएगा एल्डेस्ट आएगा, क्या आएगा एल्डेस्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है दैट इज द एल्डेस्ट हाउस, अब हाउस की बात की जा रही है, सजीवों की बात नहीं हो रही है, निर्जीवों की बात हो रही है, तो सर निर्जीवों की बात के लिए या तो ओल्डर या ओल्डेस्ट, या तो ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट, तो सर हमने देखा यहाँ पर ESTE लगा हुआ, इसका मतलब ESTE कैंसिल ओल्डेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओल्डेस्ट। ये छोटी छोटी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। आई हैव सीन द टेम्पल ऑफ देवगढ़, मैंने देवगढ़ का टेम्पल देखा, एंड द टेम्पल ऑफ पुरी, और मैंने पुरी का टेम्पल भी देखा, मैंने देवगढ़ का टेम्पल भी देखा, मैंने पुरी का टेम्पल भी देखा, दो टेम्पल देखे। बट द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला मतलब पुरी वाला जो टेम्पल है एल्डर, लो भाई साहब एल्डर थोड़ी आएगा, सजीवों की बात होती तो एल्डर थोड़ी आता है, सजीवों की बात होती है, निर्जीवों की बात होती तो एल्डर थोड़ी आता, ओल्डर आता है, तो ELDER। और ओल्डर के साथ में सर टू का यूज नहीं होता, ओल्डर के साथ में तो देन का यूज होता है, और यहाँ पर देन आया हुआ भी है, इसका मतलब एल्डर की जगह ओल्डर हमारा आंसर हो जाएगा। नीलम इज एल्डर देन हर सिस्टर, अब आप जानते हो नीलम और सिस्टर की बात की जा रही है, तो आएगा तो एल्डर ही, लेकिन एल्डर के साथ में देन थोड़ी आता है, एल्डर के साथ में तो टू का यूज होता है, एल्डर के साथ में तो किसका यूज होता है टू का यूज होता है। बोलो बेटा कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम, बातें क्लियर हो रही है? ये इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको करने। आई हैव सीन द टेम्पल ऑफ देवगढ़, ये अभी अभी मैंने करवाया, तुमको करना है ओल्डर देन एल्डर टू ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, ही इज माई फ्रेंड, अब फ्रेंड की बात की जा रही है जो कि ब्लड रिलेशन नहीं है, फ्रेंड ब्लड रिलेशन का नहीं है, अगर ब्लड रिलेशन का नहीं है तो सर एल्डेस्ट ओल्डेस्ट ये दो तो कैंसिल क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की बात नहीं हो रही, कंपेरेटिव हो रही, दो ही जनों की बात हो रही है, दो जने कौन कौन आई और ही, दो ही कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट है तो या तो एल्डर टू या फिर ओल्डर देन, बताओ क्या आएगा कि सर ब्लड रिलेशन होता तो एल्डर टू आ जाता, दूर का रिलेशन है तो ओल्डर देन आ जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर क्योंकि फ्रेंड की बात की जा रही है ना। टेम्पल, टेम्पल निर्जीव है सर, और यहाँ पर आ रहा है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम का मतलब सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाएगी, ऑल ऑफ देम का मतलब दो से ज्यादा, ये ध्यान रखो ऑल ऑफ देम का मतलब दो से ज्यादा, दो से ज्यादा तो एल्डर और ओल्डर तो कैंसिल। अब बात मंदिर की जा, मंदिर की जा रही है, मतलब सजीव के लिए निर्जीव की जा रही है, तो निर्जीवों के लिए सर ओल्डेस्ट, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा, क्लियर है, क्लियर हो गई मेरी बात, बोलो फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ, 10 के बाद में 11 करना है आपको, 12 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, 13 14 15 16 17 18 19 ये देवगढ़ दो तीन बार आ गए क्वेश्चन, 20 21 22 वाह भाई वाह बहुत क्वेश्चन, 23 क्या बात, 24 25 इनके आंसर भी देने हैं आपको है ना,
26, क्या बात है, 26 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 26 क्वेश्चन है, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं करवाए हैं, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं करवाए, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे देना है। क्लियर है जी सर? अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है, नेक्स्ट जो एडजेक्टिव आ रहा है, वो एडजेक्टिव आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, फार्दर और फर्दर। फार्दर और फर्दर की बात अपन कर रहे हैं, है ना? किसकी बात कर रहे हैं? फार्दर और फर्दर की बात हम करते हुए चल रहे हैं। रेडी है? चलो समझते हैं सर एक 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 चीज को। देखो बेटा, एक वर्ड है फार। फार का मतलब होता है दूर। फार फार का मतलब क्या होता है? दूर। और फार का मतलब होता है आगे। फार का मतलब दूर और आगे। जब दूरी की बात की जाती है तो आता है फार्दर, FARTHER, फार्दर। ये कंपरेटिव डिग्री है दो की बात की जाए तो। और फारदेस्ट, FARTHEST, फारदेस्ट, ये दो से ज्यादा के लिए। और अगर आगे की बात की जाए तो फर्दर, FURTHER, फर्दर। ये कंपरेटिव डिग्री है दो के लिए। और फर्देस्ट, FURTHEST, ऐसा नॉर्मल सी बात है। तो सर यहाँ पे फार्दर फारदेस्ट, फर्दर फर्देस्ट। मैं तो एक ही चीज समझा इतनी देर में, इसके अंदर जितने साल होगी पढ़ाते हुए पढ़ते हुए, कि सर ये तो दूरी के लिए आता है, कुल मिलाकर बात ही है। इतना ही समझा मैं तो, ये तो दूरी के लिए आता है, और ये दूरी के लिए नहीं आता सर, ये आगे की स्थिति के लिए। अरे आगे क्या हुआ भाई? अरे यार आगे क्या हुआ? आगे 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 है, उस किताब में आगे क्या लिखा हुआ था, उस कहानी में आगे क्या हुआ, उस एपिसोड का आगे वाला एपिसोड, उस आगे क्या हुआ, उस एपिसोड में आगे क्या हुआ, अरे मैच में आगे क्या हुआ, बस आगे आगे आगे, अरे उस केस में आगे क्या हुआ, वो सर फर्दर होता है, एफ यू वाला। देख लो, इट इज यूज फॉर डिस्टेंस, इसका यूज दूरी के लिए किया जाता है। और इट इज यूज फॉर द नेक्स्ट सी, नेक्स्ट सेंस, नेक्स्ट सेंस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन से समझ में आएगा, ज्यादा कुछ नहीं। आओ, मुंबई, दिल्ली, अमृतसर। कि सर बात हो रही है कि मुंबई और दिल्ली, कि सर मुंबई दूर है दिल्ली से अमृतसर के बजाय, कि दिल्ली दूर है यार, दिल्ली मतलब मुंबई दूर है भाई दिल्ली से, मुंबई दिल्ली से दूर है, मुंबई दिल्ली से दूर है बजाय अमृतसर के। और देन से समझ में आ रहा है, कंपेरेटिव है, सीधी सीधी सी बात है, दूरी की बात हो रही है भाई, दूरी की बात हो रही है तो फर वाला तो कैंसिल है, फर वाला तो कैंसिल। अब जब बात ही दो की हो रही तो फार्दर आएगा कि फरदेस्ट आएगा, कि सर फार्दर आएगा, ए ऑप्शन, सीधी सीधी सी बात है। कलकत्ता, वो का वही सीन है, कलकत्ता आ रहा है तो सर फार्दर की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है। दिल्ली फ्रॉम पटना, देन आगरा, फिर देन कंपेरिजन आ रहा है तो सर फार्दर की बात हो रही है, ठीक है। कोलकाता इज रिक्त स्थान फ्रॉम अलवर, देन जयपुर कैपिटल, और फिर से देन आया, और फिर से दूरी की बात हो रही तो सर फार्दर आ रहा है, दूरी की बात होते फार्दर। आई वेंट रिक्त स्थान फ्रॉम होम। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से आंसर बताओ। फार्दर 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 है भाई, फार्दर है। आई वेंट फार्दर फ्रॉम होम, मैं घर से आगे ही गया था या दूर गया था? कि सर जब भी जाने की बात आती है ना, कि सर जब भी जाने की बात आती है, दूरी की बात आ रही, तो सर फार्दर ही लगाते हैं। सर फर्दर क्यों नहीं लगाया? ये आता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे होना। किताब का एक पन्ना मैंने पढ़ लिया, एक पन्ने के बाद मैंने पन्ने को पलटा, दूसरा पन्ना मैंने पढ़ना शुरू करा, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था कि दरवाजा किसी ने खटखटाया, मैं दरवाजे को खोला गया तो मेरा दोस्त आया हुआ था, दोस्त से बातचीत करी, खूब मटर गस्ती, खूब जबरदस्त लेवल पर हमने मजाक मस्ती करी, वो चला गया। फिर उसके बाद में उस पेज को मैंने, उसी पेज को मैंने आगे से पढ़ना शुरू करा तो फर्दर। तिलक नगर इज द फ्रॉम कनॉट प्लेस, देन द पटेल नगर। सर वही सारी बातें, बस स्थान का नाम परिवर्तित हो रहा है, बाकी सब फार्दर ही फार्दर है, बाकी सब फार्दर ही फार्दर है, ये भी तुम कर लेना। अब आ जाओ सर, ये फर्दर है, ये फर्दर वाला आंसर होगा। अब फर्दर क्यों हो रहा है पढ़ के देखते हैं। हैव यू रेड दिस बुक, देन मी। क्या तुमने ये किताब, दिस बुक, ये किताब आगे पढ़ी तो फर्दर, आगे पढ़ी तो क्या फर्दर, बात समझ में आई? आगे पढ़ी तो क्या फर्दर। प्लीज रीड, कृपया पढ़ो आगे, कृपया आगे पढ़ो, कृपया आगे पढ़ो। डू यू हैव एनीथिंग फर्दर टू से टू अस, तुम्हारे पास में आगे कुछ है कहने के लिए, तुम्हारे पास में आगे कुछ है कहने
कहने के लिए ये छोटी छोटी बातें जो तुम्हें करनी है। 11वां क्वेश्चन, वी मस्ट नॉट डिस्कस दिस केस, इस केस के बारे में एनी फर्दर, हम आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे। कोलकाता इज फर्दर नहीं फार्दर, कोलकाता इज फार्दर, दूरी की बात होती तो फार्दर और दूरी की बात नहीं होती है तो फर्दर, ये बात आपको छोटी सी ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ेंगे नियर, नियरर, नियरेस्ट, नियर, नियरर, नेक्स्ट, ओ ओ ओ ओ, हमको पढ़ना है कुल मिलाकर नियर क्या है, एन ई ए आर ई एस टी नियरेस्ट क्या है और एन ई एक्स टी नेक्स्ट क्या है, ये पढ़ना है। कि सर नियर मतलब पास, नियर मतलब पास, ठीक है, नियरेस्ट मतलब सबसे पास और नेक्स्ट मतलब अगला, मतलब इन दोनों में अंतर करना है, मतलब कुल मिलाकर अंतर किस में करना है, नियरेस्ट में और नेक्स्ट में और फर्दर में, इनमें हमें अंतर करना है, नियरेस्ट नेक्स्ट और फर्दर, क्लियर, करें स्टार्ट। सर नेक्स्ट का यूज किया जाता है जब हमारे पास में संख्याएं हो, जब हमारे पास में संख्याओं की बात हो रही हो, तो सर नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट और नेक्स्ट होता है। जैसे आप सब्जी लेने गए, सब्जी लेने गए तो सब्जियों के ठेले लगे हुए चार पांच, तो तुम पहले पहले पर गए, दूसरे पर गए, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ये तो सर नेक्स्ट होता है, ठीक है। तुम्हारे यहां सब्जी के दो ठेले लगते हैं, एक थोड़ा पास में लगता है, एक थोड़ा दूर लगता है, तो तुम कहोगे कि सर मैं तो नियरेस्ट वाले पे गया, नियरेस्ट मतलब पास वाले पे, मैं दूर वाले पे नहीं गया, ये नियरेस्ट होता है। नेक्स्ट और नियरेस्ट में समझ में आया, फर्दर, फर्दर होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे की स्थिति बताना, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई घटना हो रही है, कोई कहानी चल रही है, उसमें आगे की बात की जाएगी तो फर्दर, उसमें फिर नेक्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट मतलब भी आगे, फर्दर मतलब भी आगे, अंतर क्या है सर, नेक्स्ट में चैप्टर बदल जाता है, नेक्स्ट में चैप्टर बदल जाता है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट वो, नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू हिम, उसके अगला, उसके अगला, उसके अगला, लेकिन सर फर्दर में एक ही रहता है और उस एक की स्थिति में आगे की स्थिति बनाना बताना फर्दर, और सर जो नजदीकी की बात करता है वो नियरेस्ट। अब मुझे बताओ एक्सीडेंट होता है तो तुम्हें किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाना है तो तुम नेक्स्ट वाले हॉस्पिटल में लेके जाओगे कि नियरेस्ट वाले हॉस्पिटल में लेके जाओगे, कि सर नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, और वहां पे 10-15 हॉस्पिटल है माना की, तो फिर देख लेंगे नेक्स्ट की बिना, नेक्स्ट की फलाना, नेक्स्ट की ढीमका, नेक्स्ट पुलिस स्टेशन दो चार होते हैं कि एक ही होता है एक जगह, कि सर पुलिस स्टेशन एक ही होता है एक जगह, ऐसे थोड़ी दो तीन होते हैं, एक ही होता है। बस ये छोटी सी बातें थी जिनकी बात मुझे आप लोगों के साथ में करनी थी। चलो सर, नियरेस्ट क्लोजनेस के लिए, नेक्स्ट आगे के लिए, और फर्दर नियरेस्ट और नेक्स्ट, इन तीनों का अंतर मैं बता चुका हूं। चलो, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वह जस्ट मेरे आगे बैठा हुआ है, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। अगला है योर हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, तुम्हारा घर मेरे घर के जस्ट आगे है, तुम्हारा घर मेरे घर के जस्ट आगे है, क्योंकि घर एक दो तीन चार घर कंटिन्यू रहते हैं ना, इसलिए नेक्स्ट आया है। सुभाष लिव्स इन द नियरेस्ट हाउस, सुभाष सबसे पास वाले घर में रहता है, सुभाष सबसे पास वाले घर में रहता है, नहीं यार इसमें तो पास वाला घर की बात नहीं हुई, गलत है ये नेक्स्ट होगा, सुभाष अगले घर में रहता है, सुभाष लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, घर तो तीन चार पांच दस ऐसे कंटिन्यू होते हैं ना, तो नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस, अगले घर में रहता है। ही टुक द रोबर टू द पुलिस, हाँ ये पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन लेके जाओगे तो नेक्स्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाओगे, सर नेक्स्ट कहाँ होता है, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन तो नियरेस्ट होता है, अरे एक जगह तीन चार पुलिस स्टेशन थोड़ी होते हैं, ऐसा छोटी सी बात थी, लॉजिकल बात थी। तो ही टुक द रोबर, वह रोबर को ले गए नेक्स्ट नहीं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस, पटना जंक्शन, पटना जंक्शन, पटना का जो जंक्शन है, पटना का जो जंक्शन है वो पटना का जंक्शन मेरे घर के आगे नहीं, मेरे घर के पास है, नियरेस्ट, वही वही बात, दो चार नहीं होता एक ही होता है, नियरेस्ट टू माई हाउस, मेरे घर के पास में है, छोटी सी बात थी। अब हम पढ़ेंगे लिटल, लेस, लीस्ट, लेस्ट, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, क्या क्या आया भाई रे भाई, ओ ओ ओ, ओ इतनी सारी चीजें पढ़नी है भाई, इतनी सारी चीजों में हम
लिटल नहीं पढ़ेंगे, ये हम डिटरमिनर में पढ़ेंगे, लिटल ए लिटल द लिटल ये हम डिटरमिनर में पढ़ेंगे, फ्यू ए फ्यू द फ्यू ये भी हम उसी में पढ़ेंगे, है ना। ये फ्यू देखो यार, ये जो टॉपिक है फ्यू ए फ्यू द फ्यू लिटल ए लिटल द लिटल ये डिटरमिनर का टॉपिक है, उसके अंदर कवर करेंगे, है ना। फ्यू भी उसी के अंदर कवर करेंगे, लिटल भी उसी के अंदर कवर करेंगे, अभी कवर करने की जो चीजें हैं, और लेस्ट तो चलो मॉडल में पढ़ाई दिया, शुड लेस्ट के साथ में क्या आता है शुड, ये हमने उसमें पढ़ी लिया। अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे अपन एल ई डबल एस लेस और एफ ई डब्ल्यू ई आर फ्यूअर, ये दो चीजें पढ़नी है, बाकी सारी डिटरमिनर में होगी। हमें पढ़ना है लेस और फ्यूअर, एफ ई डब्ल्यू ई आर फ्यूअर, और एक वर्ड और पढ़ेंगे एल ई डबल एस ई आर लेसर। ये तीन चार चीजें अपने को पढ़नी है ना, ये तीन चार चीजें अपने को पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेस के बाद में आगे आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन होगा, फ्यूअर के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होगा, ये ध्यान आपको रखना है। लेस के बाद में अनकाउंटेबल नाउन, फ्यूअर के बाद में नाउन प्लूरल होगा, ठीक है। एक 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 टॉपिक पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ था पीछे वाला छोड़ो, लेस पढ़ना है। लेस क्या होता है, आइए सर, इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। और लेस का मतलब होता है बहुत कम, लेस मतलब बहुत 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 कम, अनकाउंटेबल नाउन। लेस के बाद में कंपेरेटिव डिग्री है, ये लेस कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री। तो लेस के बाद में आपको क्या मिलेगा, देन मिल सकता है। लेस के बाद में, लेस वाले वाक्य में आपको जाकर कंपेरिजन होने पर देन मिल सकता है, क्या मिल सकता है, देन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बस लेस की दो बातें, अनकाउंटेबल नाउन और देन। फिर अगला एक पॉइंट और आया है, मनी टाइम डिस्टेंस। अगर जब कभी भी धन की बात की जा रही है तो लेस का यूज करेंगे, फ्यूअर का नहीं। टाइम कब, टाइम की बात की जा रही है तो लेस का यूज होगा, फ्यूअर का नहीं। डिस्टेंस की बात की जा रही है तो लेस का यूज होगा, फ्यूअर का नहीं। अब तुम सोचोगे सर डिस्टेंस आपने तो फार्दर बताया था, हाँ हाँ फार्दर बताया था, बट यहां पर बात, वहां पर फर्दर और फार्दर का डिफरेंस था, यहाँ पे लेस और फ्यूअर का डिफरेंस है, यहाँ पे लेस और फ्यूअर का डिफरेंस है। तो लेस की तीन बातें फटाफट से रिपीट करो, लेस की तीन बातें कौन कौन सी है सर, लेस आपने बताया, एक तो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, एक आपने बताया लेस के बाद में देन का यूज हो जाता है, ठीक है, एक आपने बताया मनी टाइम डिस्टेंस, मनी टाइम डिस्टेंस की बात होती है तो भी लेस का यूज किया जाता है। अब चलते हैं सर लेसर, नॉट सो ग्रेट एज द अदर देन, देन इज नॉट यूज विद लेसर, मतलब कुल मिलाकर इतना सा लिखा हुआ है कि लेसर जो लिखा हुआ है ना, लेसर एल ई डबल एस ई आर, इस लेसर के साथ में आगे जाकर अगर देन दिखाई दे रहा है तो वो देन गलत है, पहला रूल। आगे जाकर अगर आपको देन दिखाई दे रहा है तो वो देन क्या है भैया, गलत है। और लेसर का मतलब होता है मात्रा में कम, अमाउंट में कम, ए एम ओ यू एन टी, अमाउंट या क्वालिटी, क्वालिटी अमाउंट या क्वालिटी में कम होना, क्वालिटी में कम होना, क्वालिटी में कम होना, ठीक है। ए लेसर वुमन, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेसर वुमन, कम औरत वुड हैव गिवन, मतलब कम औरत का मतलब जिसमें जिगर कम था, उस औरत ने हार मान ली, गिवन अप, गिव अप कर दिया, ऐसा। ए लेसर वुमन वुड हैव गिवन अप, वही बात आ गई, सेम सेंटेंस ही, बस लेसर आ जाएगा। इसी प्रकार से दे प्लीडेड गिल्टी, उन्होंने गिल्टी स्वीकार कर ली, उन्होंने क्या स्वीकार कर ली, उन्होंने गिल्टी स्वीकार कर ली, लेसर चार्जेस, चार्जेस कम लगाई। कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपको पढ़ना है, अपन सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा ना, ये पढ़ लेना सेंटेंसेस। तो फ्यूअर के बारे में मैंने आपको बताई दिया, काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, ठीक है, काउंटेबल नाउन, सिर्फ काउंटेबल नाउन, ठीक है। आओ सर बात करते हैं क्या है और क्या नहीं है, चीजें क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। वी कैन नॉट सेल रिक्तिस्तान देन द 2 किलोग्राम्स ऑफ मिल्क, कि सर यहाँ पे आ रहा है 2 किलोग्राम्स, गिन सकते हो क्या, कि सर गिना हुआ ही है ये, तो गिन सकते क्या, ये तो गिना हुआ ही है, ये तो सर गिना हुआ ही है, 2 किलोग्राम्स, 2 किलोग्राम सर ये तो गिना हुआ ही है, और जिसको आप गिन सकते हैं तो गिनने के लिए किसका यूज करते हैं भैया, कि सर गिनने के लिए तो हम फ्यूअर का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आगे जाकर आपको किसकी बात हो रही है, कुल मिलाकर मिल्क की, कि 2 किलोग्राम मिल्क, 2 किलोग्राम मिल्क, तो सर अभी अभी आपने पढ़ा था
कि लेस का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यूअर का यूज किया जाता है नाउन प्लूरल होने के लिए। सर मिल्क को प्लूरल नहीं बना सकते, ये 2 किलोग्राम मात्रा लिखी हुई है, प्लूरल नहीं है। तो सर यहाँ पे लेस का यूज होगा कि फ्यूअर का यूज होगा? कि सर यहाँ पे लेस का यूज होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा? लेस का, ठीक है। और देखो समझ में आएगा, देयर इज रिक्त स्थान शुगर, शुगर सर अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल है तो किसका यूज होगा? लेस का। यू आर वाइज देन योअर फादर, यू आर वाइज, तुम वाइज हो बजाय तुम्हारे पिताजी के। तो सर वाइज मतलब बुद्धिमान, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, और जब आप काउंट नहीं कर सकते तो एका मतलब लेस का यूज। अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे सर लेसर क्यों नहीं लगा रहे, लेसर क्यों नहीं लगा रहे हो? लेसर नहीं आएगा क्योंकि देन आया हुआ है ना, लेसर के साथ में देन का यूज नहीं होता। इन्फ्लेशन इज द इविल ऑफ द टू, स्मगलिंग एंड इन्फ्लेशन। देखो बेटा बहुत बढ़िया और अच्छा जानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीधी सीधी सी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो इस वाक्य में देन वो नहीं आया, देन इस वाक्य में क्या नहीं आया? देन नहीं आया। फ्यूअर लगेगा नहीं, या तो लेस लगेगा या फिर लेसर लगेगा। फ्यूअर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर इविल की बात की जाती है, इविल मतलब बुराई, काउंटेबल की अनकाउंटेबल की, सर बुराई काउंट तो कर ही नहीं सकते, ये तो अनकाउंटेबल है। तो फ्यूअर कैंसिल, या तो लेसर या फिर लेस। सर देन का यूज नहीं हो रहा, पहले बात तो कंपेरिजन है भी नहीं, तो सीधी सीधी सी बात है यहां जो हमारा आंसर होगा वो होगा लेसर की। इन्फ्लेशन इज द लेसर इविल, कम बुराई है, इन्फ्लेशन कम बुराई है, तुलना की बात नहीं हो रही है। तुलना की बात होती तो देना था, तो यहां जो हमारा आंसर होगा वो होगा लेसर, यहां जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? लेसर। इफ देयर वर कार्स, सर नाउन प्लूरल है, और नाउन प्लूरल है तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। नाउन प्लूरल है तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। नो देन फाइव पर्संस, पर्संस सर पर्संस, तो पर्संस के लिए फ्यूअर। एक चीज और बता दूं, लेस वाला वाक्य हो चाहे फ्यूअर वाला वाक्य हो, लेस वाला वाक्य हो चाहे फ्यूअर वाला वाक्य हो, उस वाक्य में नॉट और नेवर का यूज नहीं होगा कभी भी, नॉट और नेवर का यूज नहीं होगा। लेकिन इनके पहले नो का यूज हो सकता है, लेकिन इनके पहले नो का यूज हो सकता है। यहाँ पे पर्संस प्लूरल है तो लेस भी कैंसिल, लेसर भी कैंसिल, नन ऑफ दीज भी कैंसिल, तो ये बनेगा नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन। और ये फ्रेज भी है, नो लेस देन, नो लेस देन और नो फ्यूअर देन, नो लेस देन और नो फ्यूअर देन, नो लेस देन और नो फ्यूअर देन, ये फ्रेज भी है। चलो नेक्स्ट, इन राजम्पा कंपनी देयर आर लेस देन 2 लाख वर्कर्स, सर वर्कर्स प्लूरल है, ये वर्कर्स प्लूरल है तो सर लेस का यूज नहीं होगा, लेस की जगह फ्यूअर का यूज होगा, लेस की जगह किसका यूज होगा? लेस की जगह फ्यूअर का यूज होगा। ही कुड नॉट बाई द बुक्स बिकॉज ही हैड लेसर मनी इन हिज पॉकेट, लेसर मनी इन हिज पॉकेट। कि सर अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, जब कभी भी बात मनी की हो, जब कभी भी बात किसकी दिखाई दे आपको, कि सर सेंटेंस में जब कभी भी मनी की बात हो, टाइम की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, तब सर हमें लेस का यूज करना होता है। तो सर यहां पे लेसर गलत है, इस लेसर की जगह जो हमारा आंसर होगा वो होगा लेस, इस लेसर की जगह जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? लेस होगा। नाउ द नेक्स्ट, वी नीड रिक्त स्थान फर्नीचर इन दिस डांस हॉल देन इन द बिग वन। तो सर इन फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन है तो हमारा आंसर क्या होगा? लेस, हमारा आंसर क्या होगा? लेस होगा। यू हैव टू ड्रिंक कॉफी, यू हैव टू ड्रिंक कॉफी, कॉफी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सर किसका यूज होगा? यू हैव टू ड्रिंक एफ यू फ्यू लेस की, सर लेस का यूज होगा, एल ई डबल एस, किसका यूज होगा बेटा? एल ई डबल एस, लेस का यूज हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना होगा। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई? चलो अब आगे चलते हैं, 10 के बाद में 11 कर लेना, 12 भी कर लेना, 13 कर लेना, 14 भी कर लेना आप, 15 क्वेश्चन भी कर लेना, 16 नंबर का क्वेश्चन एनडीए 2014 में आया हुआ तो ये मैं करवा देता हूं। द नंबर ऑफ बुक्स, द
नंबर ऑफ, सर ये कल परसों ही पढ़ा था अपने, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है, नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है। तो सर नाउन तो प्लूरल है और वर्ब भी सिंगुलर है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बात लेस की हो रही है तो लेस थोड़ी आएगा, लेस थोड़ी आएगा सर, लेस का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुक्स की बात की जा रही है और बुक्स की बात की जा रही है तो सर नाउन प्लूरल है और नाउन प्लूरल है तो सर फ्यूअर आएगा, लेस नहीं सर, यहाँ पे फ्यूअर का यूज होगा, लेस नहीं यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर तो फ्यूअर का यूज हमें करना होगा। जी सर, लेस का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, फ्यूअर का यूज करेंगे, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ओके 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 ओके, चलो ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अच्छा 30 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। देन 8 आवर्स, तो क्या होगा भैया यहां पर लिखा हुआ है, 30 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताओ आंसर क्या होगा, 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आंसर क्या होगा? अरे सर आपने बताया था क्या नाम, distance, डिस्टेंस की बात हो, आपने बताया था टाइम की बात हो, आपने बताया था money मनी की बात हो, तो लेस का यूज करते हैं, लेस देन 8 आवर्स, क्या हो जाएगा, लेस देन 8 आवर्स। देयर वर देन 100 बॉयज, प्लूरल है तो सर फ्यूअर की बात हो जाएगी। चूज द लेबोरियस ऑफ द टू, लेबोरियस ऑफ द टू कि सर लेबोरियस ऑफ द टू, देन नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, देन नहीं आ रहा, तो लेसर, चूज मतलब चुनो, लेसर मतलब कम, लेबोरियस मतलब लेबर करने वाला, ऑफ द टू इन दोनों में से जो कम चार्ज लेगा, जो कम पैसा लेगा उसको चुन लो, इन दोनों में से जो कम, इन दोनों में से जो कम, कम का मतलब लेसर, इन दोनों में से जो कम पैसा लेगा उसको तुम चुनाव कर लो, इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं बेटा, ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। 34, 35, 36, ये 37, ये 38, ये 38 क्वेश्चन है जो तुम कुल मिलाकर लेस और फ्यूअर, लेस और फ्यूअर, लेस और फ्यूअर के क्वेश्चन ही थे, ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं। अब बात करते हैं सर अनदर, अब किसकी बात करेंगे, अनदर की, एक 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 पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। इट इज यूज फॉर सिंगुलर, अनदर के बाद में नाउन कैसा आएगा, पहला, पहली कंडीशन, बस अब लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं अपन। अनदर के बाद में नाउन कैसा कि सर अनदर के बाद में नाउन सिंगुलर, अनदर बॉय, अनदर गर्ल, अनदर पेन, अनदर अम्ब्रेला, ऐसा, ठीक है जी सर, ठीक है बहुत बढ़िया। इट इज यूज फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब नेगेटिव सेंटेंस आते ही गलत हो जाएगा, मैंने बोला अनदर बॉयज प्लूरल कर दिया, गलत है, अनदर पेन्स गलत है, अनदर मैंगोज गलत है, क्यों, क्योंकि अनदर के बाद में नाउन सिंगुलर, ठीक है। वाक्य भी कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव, सिंपल वाक्य, नॉट तो होना ही नीचे, नेगेटिव सेंटेंस में अनदर का यूज नहीं होता, ये दो बात, नेगेटिव सेंटेंस में अनदर का यूज नहीं होता। अगला पॉइंट, अगर अनदर के बाद में संख्या लिखी हुई आ रही है, माना की क्या लिखी हुई आ रही संख्या, अनदर टू, अनदर थ्री, अनदर फोर, अनदर फाइव, अनदर सिक्स, अनदर सेवन, अनदर एट, तो संख्या के बाद में तो नाउन प्लूरल ही आता है भैया, नंबर, एन यू एम बी ई आर, नंबर के बाद में अगर कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर नहीं आएगा, गलत, वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, वो नाउन कैसा आएगा, वो नाउन प्लूरल आएगा, बस इस अंग्रेजी की लाइन में इतना ही लिखा हुआ है कि सर अनदर के बाद में नंबर लिखा हुआ है तो नाउन प्लूरल आएगा, नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। एन अनदर गलत है, एन अनदर नामक शब्द अगर आपको दिखाई देता है तो वो तो गलत है साहब, वो तो क्या है, गलत है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, अनदर की बात खत्म, अदर में चलेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस। अच्छा वापस से, अनदर के बाद में नाउन कैसा, सिंगुलर, वाक्य कैसा, सिंपल, वाक्य कैसा, सिंपल, अगर अनदर के बाद में संख्या आ जाए, अनदर के बाद में संख्या आ जाए तो नाउन कैसा, प्लूरल, नाउन कैसा, प्लूरल, ठीक है, नाउन कैसा, सिंगुलर। अच्छा अदर के बाद में नाउन कैसा, प्लूरल, अदर के बाद में नाउन कैसा, प्लूरल, ठीक है। और अगर मान लो, अगर मान लो बॉडी पार्ट की बात की जा रही है, बॉडी पार्ट जैसे दो आंखें हैं, है ना, नोज तो एक ही है बट इनके जो छेद है वो दो है, कान दो है, हाथ दो है, फेफड़े तो एक ही है बट दो उसके पार्ट है, लंग्स, किडनी दो है ना, पैर दो है, समझ रहे हो,
दो 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 है। इनके एक पार्ट की बात की जाए, बॉडी पार्ट, पेयर ऑफ बॉडी पार्ट, एक हिस्से की बात की जाए तो अनदर नहीं अदर आएगा, अदर। अदर के बाद में नाउन कैसा? प्लूरल। ओ टी एच ई आर, अदर के बाद में नाउन कैसा? प्लूरल। लेकिन बॉडी पार्ट है तो सिंगुलर, ठीक है। अनदर में क्या था? नाउन सिंगुलर, लेकिन संख्या है तो प्लूरल, लेकिन संख्या है तो प्लूरल। फिर से बोल रहा हूं, ए एन ओ टी एच ई आर, अनदर, अनदर के बाद में अगर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर आएगा, संख्या आ रही है तो प्लूरल आएगा, और अदर के बाद में नाउन सिंगुलर आएगा लेकिन नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन अगर बॉडी पार्ट की बात की जा रही है तो नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ये छोटी छोटी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है ना। जैसे अपन बात कर लेते हैं अदर हैंड, अब आप समझ गए अदर के बाद में क्या लिखा हुआ है, हैंड सिंगुलर है, अदर आई सिंगुलर है, अदर लेग सिंगुलर है, अदर फुट सिंगुलर है, अदर बॉयज बॉय प्लूरल है, अदर गर्ल्स नाउन प्लूरल है, अदर स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है। आगे बात समझ में, ये तो बॉडी पार्ट, ये वाला हिस्सा तो क्या हो गया बॉडी पार्ट, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, ठीक है। सी वॉन्ट्स अनदर पेन, अनदर के बाद में नाउन कैसा? सिंगुलर। सेंटेंस कैसा? सिंपल। अनदर बुक नाउन सिंगुलर, अनदर फाइव संख्या आ गई तो नाउन प्लूरल, ठीक है। अनदर पेन नाउन सिंगुलर, अनदर सिक्स, सिक्स संख्या आ गई तो आगे आने वाला नाउन प्लूरल, ठीक है। अनदर के बाद में नाउन प्लूरल हो गया तो गलत है, अनदर के बाद में संख्या आई है तो नाउन प्लूरल आना चाहिए लेकिन नाउन सिंगुलर आ गया तो गलत है। आगे बात समझ, छोटी छोटी बातें देख लो एक बार फटाफट से, फटाफट से देख लो क्या 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 चीजें मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अदर ये पढ़ लेना, तो एनी अदर एक नया टॉपिक है, एनी अदर, ए एन वाई, एनी अदर, एनी अदर, एनी अदर क्या होता है? चलो सर बात करते हैं, इट इज फॉर सिंगुलर नाउन, मतलब एनी अदर के बाद में नाउन कैसा? सिंगुलर। एनी अदर, एनी अदर के बाद में नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर, ठीक है। फॉर नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस ही है, जब एनी बोल दिया तो नेगेटिव सेंस ही होगा, छोटी सी सिंपल सी बात है। सी डज नॉट वॉन्ट, नेगेटिव सेंस या नेगेटिव सेंटेंस, सी डज नॉट वॉन्ट अनदर पेन, अब यहां पर लिखा हुआ है अनदर पेन, तो मैंने आपको बताया था अनदर वाला वाक्य कैसा होता है कि सर अनदर वाला वाक्य तो सिंपल सेंटेंस होता है, आपने अभी अभी पढ़ाया था कि सर अनदर जो लिखा हुआ रहता है अनदर वाला वाक्य तो सिंगुलर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है, तो सर यहां पर तो अनदर गलत है, ये तो वाक्य गलत है सर, ये जो अनदर लिखा हुआ दिख रहा है सर ये तो कहीं ना कहीं मुझे तो लोचा लग रहा है यार, इसमें मुझे तो सर इसमें लोचा लग रहा है, ये तो गलत है सर, ये वाक्य तो गलत है सर, अनदर लिखा हुआ है तो ये वाक्य गलत है, इस अनदर की जगह क्या करूं? या तो सर डज नॉट को हटा दो और वॉन्ट्स कर दो, या तो इस वाक्य को सुधारो और ऐसे करो सी वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स वह चाहती है अनदर पेन, ए एन ओ एच ई आर, या तो इस वाक्य को इस तरीके से सही करो सी वॉन्ट्स अनदर पेन, या फिर इस वाक्य में से अनदर हटाकर एनी अदर कर दो, क्या हटा दो? एनी अदर हटा दो, क्या नाम ये जो एन अदर लिखा हुआ या एनी अदर, मान लो एनी अदर जो लिखा हुआ है या वन अनदर जो लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है, ये एन ओ टी एच ई आर अनदर, अच्छा ये जो अनदर लिखा हुआ है इसमें से किसको हटा दो? सर इस अनदर में से ए एन ओ टी एच ई आर जो लिखा हुआ है इस अनदर को हटा दो और इसकी जगह क्या कर दो? एनी अदर कर दो, ठीक है, दोनों बातें सेम हो गई। आगे बढ़ते हैं, नो अदर, नो अदर के बाद में भी नाउन सिंगुलर आता है, ये छोटी छोटी बातें जो याद करनी है आपको, ठीक है। नेगेटिव वर्ड इज नॉट यूज, नो अदर में नॉट का यूज नहीं होगा क्योंकि नो खुद दिया हुआ है, नो खुद दिया हुआ है तो नॉट का यूज नहीं होगा, किसका यूज नहीं होगा? नॉट का यूज नहीं होगा, ये कुछ कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो सर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सही करके बताओ, सी डज नॉट वॉन्ट एनी अदर पेन, एनी अदर आएगा कि नो अदर आएगा, क्या आएगा? एनी अदर आएगा इस वाक्य में या नो अदर आएगा? एनी अदर आएगा इस वाक्य में या नो अदर आएगा, जल्दी से बताओ,
एनी अदर आएगा कि नो अदर आएगा कि सर सीधी सीधी सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो एनी का यूज करते हैं, और नो अदर तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता नो अदर? क्योंकि नो अदर वाले वाक्य में क्या नहीं आएगा, नॉट वगैरह ये सब यूज नहीं होगा, जबकि यहाँ पे तो डज नॉट लिखा हुआ है। तो सर लगाना तो या तो एनी अदर लगाओ, या फिर या तो एनी अदर से सही करो या नो अदर से सही करो। तो सर एनी अदर तो गलत है, अगर एनी अदर गलत है सॉरी नो अदर तो गलत है। क्यों गलत है नो अदर? क्योंकि सर एनी अदर वाले वाक्य में अभी अभी बात करी थी अपन ने कि सर एनी अदर वाला वाक्य कैसा हो सकता है, एनी अदर वाला वाक्य नेगेटिव का हो सकता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में अपन ने बात करी नो अदर वाला वाक्य, एनओ टी एच ई आर, नो अदर वाले वाक्य में नॉट नहीं आता, तो सर नो अदर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नो अदर गलत है। हमारा वाक्य जो होगा, हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनी अदर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी ले लिया लास्ट में मैंने, लेकिन कोई गल नहीं, ढंग से पढ़ना, आपको समझते हुए चलना बेटा, एक 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 चीज, फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। नो अदर हैज बॉय रीच्ड देयर, नो अदर, अब मैंने आपको बताया था एनी अदर वाले वाक्य में नॉट का आना जरूरी है, एनी अदर वाले वाक्य में नॉट का आना जरूरी है, तो सर इस वाक्य में नॉट है ही नहीं, और नो अदर वाले वाक्य में, नो अदर वाले वाक्य में नॉट का आना जरूरी नहीं है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा नो अदर। आंसर क्या हो जाएगा? नो अदर। असलीप एक एडजेक्टिव है, असलीप नामक शब्द एक एडजेक्टिव है, असलीप इज एन एडजेक्टिव, असलीप क्या है, एक एडजेक्टिव है, याद रखना। इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब, इसका यूज वर्ब के बाद में किया जाता है, जैसे एन असलीप बॉय ले ऑन द बेड, एक असलीप लड़का सोया हुआ है। तो सर यहाँ इस सेंटेंस में आप ढंग से देखो, असलीप नामक शब्द गलत हो गया। असलीप नामक शब्द गलत क्यों हो गया, असलीप नामक शब्द गलत क्यों हो गया, क्योंकि सर ये एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का यूज वर्ब के बाद में होगा, लेकिन सर इसने तो वर्ब के बाद में होगा, लेकिन इसने तो कहां यूज कर दिया, इसने तो बॉय के पहले यूज कर दिया, जो कि गलत है। असलीप का यूज एडजेक्टिव तो है, लेकिन नाउन से पहले नहीं, वर्ब के बाद, तो सर ये होगा असलीपिंग बॉय। एक छोटा सा सेंटेंस, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना था बेटा, विशेष रूप से ध्यान रखना था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, एन असलीप बॉय ले ऑन द बेड, तो सर हमने देखा बॉय के पहले असलीप लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ये होगा स्लीपिंग, एस एल डबल ई पी आई एन जी, और स्लीपिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। स्लीपिंग यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि सर ये नाउन के पहले आ रहा है बॉय, तो ए स्लीपिंग बॉय क्या हो जाएगा, ये ए स्लीपिंग बॉय, ठीक है। सी मेट रिक्त स्थान बॉय, अब सर्टेन असर्टेन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यही बता देता हूँ, certain सर्टेन के बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, और ए सर्टेन के बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, यही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, सर्टेन और असर्टेन वाला। जी सर, सर्टेन और असर्टेन वाले नाउन की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सर्टेन अगर लिखा हुआ रहता है तो नाउन प्यूरल आता है, और ए सर्टेन लिखा हुआ रहता है तो नाउन सिंगुलर आता है, नाउन क्या आता है, सिंगुलर। तो सर यहाँ पे बॉय जो कि एक नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एसर्टेन, एसर्टेन के बाद में नाउन सिंगुलर, ठीक है। बॉयज, सर बॉयज यहाँ पे नाउन प्लूरल है, नाउन यहाँ पर प्लूरल है, तो सर एसर्टेन नहीं, करटेन नहीं, सर्टेनिंग नहीं, आंसर हो जाएगा सर्टेन बॉय, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय, तो सर हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्टेन बॉय, बॉय मतलब नाउन सिंगुलर है, और जब आपका नाउन सिंगुलर है तो सर यहाँ पे सर्टेन नामक शब्द क्या है, गलत है, ये हो जाएगा सर ए सर्टेन, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ए सर्टेन विल बी द राइट आंसर, ए सर्टेन विल बी द राइट आंसर। आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रॉब्लम जो कि नाउन प्लूरल है, और अगर नाउन प्लूरल है तो सर ए सर्टेन नहीं, केवल सर्टेन आएगा, केवल क्या आएगा, सर्टेन आएगा, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, ओपन योर बुक 23rd पेज, 23rd पेज, अब बताओ मुझे फटाफट से, यहाँ पे लिखा हुआ 23rd पेज, ओपन योर बुक, तुम्हारी किताब खोलो, 23rd पेज, इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है, 23rd पेज की। सर सीधी सी बात है, 8 के बाद में नाउन आएगा पेज, 8 पेज, ये तो फिक्स है 8 पेज होगा, और ये लिखा जाएगा 23rd, ये क्या लिखा जाएगा, 23rd, TWEN TY 20, और फिर थर्ड THIRD, 23rd का मतलब क्या, 23, कि पेज नंबर 23 खोलो, कि ओपन योर बुक एट पेज 23,
ठीक है, देख लेना इस क्वेश्चन को, देख लेना, एक अच्छा सा बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, ये मैं करवा देता हूँ, ये याद कर लो चाहे रट लो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। यू मस्ट रियलाइज, तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा, तुम्हें रियलाइज करना ही पड़ेगा कि हाउ, तुम्हें रियलाइज करना ही पड़ेगा कि हाउ। अब हाउ एडजेक्टिव है, हाउ क्या है, एडजेक्टिव है, और हाउ मतलब हाउ एडजेक्टिव भी है, हाउ एडवर्ब भी है, हाउ एडजेक्टिव भी है, हाउ एडवर्ब भी है। तो हाउ इम्पोर्टेंस होगा एडवर्ब, इसको एडवर्ब वो करता हूँ, एडवर्ब आई एम पी ओ, एक मिनट, हाउ के बाद में आई एम पी ओ आर टी ए एन सी, हाउ इम्पोर्टेंस होता है या हाउ इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन ये है। आई एम पी ओ आर टी ए एन टी। अब ये इम्पोर्टेंस नामक शब्द तो नाउन है और इम्पोर्टेंट नामक शब्द एडजेक्टिव है, तो ये एक फ्रेज है। हाउ इम्पोर्टेंस लिखा हुआ, जो शब्द लिखा हुआ ना, फ्रेज लिखा हुआ, ये गलत है। हाउ इम्पोर्टेंस नहीं होकर क्या होगा, हाउ इम्पोर्टेंट, क्या होगा बच्चों, हाउ इम्पोर्टेंट, ये पहला फ्रेज याद करने का है। हाउ इम्पोर्टेंस नहीं, हाउ इम्पोर्टेंट होगा, आई एम पी ओ आर टी ए एन टी। कैसे पता चला, नॉर्मल सी भी बात है, पर बोलते हैं ना हाउ ब्यूटीफुल, हाउ कूल, कितना गजब लग रहा है भाई। तो हाउ के बाद में एडजेक्टिव आता है, हाउ के बाद में क्या आता है, एडजेक्टिव, सीधी सी बात है। हाउ के साथ में किसका यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की मैं बात करूं, तो आ जाइए, ऑल सेड, सभी ने कहा, एंड ऑल डन, सभी ने कर दिया, इट इज द बेसिक वैल्यू, ये बेसिक वैल्यू है, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं आगे, एम ओ एस टी मोस्ट, आई एम पी ओ आर टी ए एन सी, ये अभी अभी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी का ही कॉन्सेप्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंस नहीं होता सर, होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम पी ओ आर टी एन टी, क्योंकि मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। अभी अभी पढ़ा था ना कि हाउ के बाद में क्या आता है, एडजेक्टिव, हाउ के बाद में क्या आता है, एडजेक्टिव, क्योंकि हाउ क्या है, एडवर्ब, इसी प्रकार से मोस्ट भी, इसी प्रकार से मोस्ट भी, हाउ के बाद में एडजेक्टिव, मोस्ट के बाद में एडजेक्टिव। तो मोस्ट के बाद में ये जो इंपोर्टेंस जो नाउन लिखा हुआ है, ये नाउन लिखा हुआ गलत है, ये नाउन लिखा हुआ गलत है। दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट, तो सर दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट, वर्थ सीइंग साइट कि सर वर्थ, डब्ल्यू ओ आर टी एच, ये जो वर्थ लिखा हुआ है, इस वर्थ के बाद में तो आएगा जेरंड, जी ई आर यू एन डी, ये तो फिक्स है, ये आपने वर्ब के टॉपिक में भी पढ़ा था, नॉन फाइनाइट वर्ब में वर्थ के बाद में जेरंड, ठीक है, तो वर्थ के बाद में जेरंड आएगा। तो सर ये जो वर्ड है वर्थ सीइंग, ये ठीक है, बट ये जो ए के बाद में ये साइट है ना, ये गलत है, ये क्या होगा, दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग, 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 ये साइट यहां पे आएगा और ये वर्थ सीइंग बाद में आएगा, तो दिस इज ए साइट, ये बनेगा दिस इज ए साइट, ये एक दृश्य है वर्थ सीइंग का, वर्थ सीइंग का। एक कुछ क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है या याद करना है, कुछ भी आप इस तरीके से मान सकते हो। मतलब सर एक तरीके से देखा जाए ना, एडजेक्टिव का टॉपिक अपन ने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, हालांकि काफी लंबी लंबी क्लासेज हो गई, और आज की क्लास लाइव नहीं थी, लाइव इसलिए नहीं थी क्योंकि आज कोई जरूरी काम था, तो मैंने इस क्लास को, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी हो रही 4:21, आज अभी 4:21 पर हो रही है, और 8 बजे ये क्लास आपको लाइव मिल जाएगी। तो इस क्लास को मैंने पहले रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आज लगभग 8 बजे के आसपास मुझे बहुत अर्जेंट काम रहेगा, इस वजह से मैं चाह रहा था कि पहले ये क्लास आपकी मैं रिकॉर्ड कर लूँ और रिकॉर्ड करके आपको ये प्रोवाइड करवा दूं। तो अपने 3 लेक्चर हो गए एडजेक्टिव के, पहला हमने बहुत बेहतरीन लेवल पे एडजेक्टिव को समझा, दूसरे में हमने एडजेक्टिव की पोजीशन वोजीशन कुछ कुछ एडजेक्टिव के बारे में जाना, और तीसरे के अंदर हमने बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया।
एडजेक्टिव का टॉपिक होने के बाद में अब आएगा डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद में डिग्री और डिग्री के बाद में आर्टिकल, फिर जाके कंप्लीट हमारा एडजेक्टिव का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कुछ चीजें छुट्टी हुई है वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर होती हुई चलेगी। पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाती है, कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा क्योंकि थैंक यू बोलने का टाइम आ चुका है। और कैसी लगी क्लास ये जरूर से आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हो यार अगर आप चाहो तो, करना भी चाहिए आई थिंक आपको कमेंट करना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।